नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। विधायक की पहल से बांदे में बनेगा भव्य गार्डन, आज हुआ भूमि पूजन, क्षेत्रवासियों में हर्ष। इसी के तहत आज बांदे में स्वर्गीय राजीव गांधी स्मृति वाटिका का अनूप नाग ने किया भूमि पूजन। लंबे समय से बांदे क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि उनके क्षेत्र में भी पंखाजूर स्थित राम वाटिका की तर्ज पर एक भव्य गार्डन बनाया जाए। लोगों की मांग को पूरा करते हुए विधायक अनूप नाग ने पहल की और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के सहयोग से भव्य गार्डन के निर्माण के लिए 46,80,000 रूपए लगभग 50,00,000 की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जिसका आज विधायक नाग ने स्वयं भूमि पूजन किया। विधायक ने यह कहा कि गार्डन निर्माण होकर बांदे क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और इस गार्डन में कलर फाउंटेन के कारण लोगों में आकर्षण का केंद्र बनेगा एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। अनूप नाग की कार्यशैली एवं क्षेत्रों में लगातार विकास कार्यों को देखते हुए आज फिर 14 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। स्वर्गीय राजीव गांधी के स्मृति में आज वाटिका निर्माण के भूमि पूजन पर हम सब क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये हमारे लिए बांदे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ के जनता के लिए, नौजवान साथियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बांदे शहर से लगा हुआ एक सर्व सुविधा युक्त गार्डन निर्माण होने जा रहा है। आज तो इसका भूमि पूजन हुआ है, आगे चलकर देखिएगा कि यहाँ क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के लोग जब शाम के वक्त या मॉर्निंग के समय भ्रमण हेतु आएंगे तो उसका सब के लिए ये सुखद स्थल होगा, ऐसा मेरा ख्याल है, सोचता हूँ। इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से करीब करीब 46,00,000 रुपया स्वीकृति प्रदान किया गया है, जिससे ये भव्यता के साथ निर्माण किया जाएगा।